हेलो फ्रेंड्स, किरण स्टैक एंड टेस्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे वीडियो के नीचे दिए रेड बटन सब्सक्राइब को दबाएं, साथ ही बेल आइकॉन को भी, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा वीडियो देख पाएं। आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं माइक्रोवेव ग्रिल में लिट्टी या स्टफ्ड बाटी कह सकते हैं आप इसे। दोनों में एक ही तरह से दोनों को बनाया जाता है, थोड़ा सा फर्क है, इसको स्टफ करके बनाया जाता है और हम इसे बनाएंगे माइक्रोवेव में, जिसे हमें ग्रिल करेंगे। आइए देखते हैं हमने क्या लिया है। मैंने इसके लिए लिया 250 ग्राम आटा, नमक, अजवाइन और काली मिर्च, ये आप अपनी स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने 1/4 टीस्पून लिए हैं। 3 टेबलस्पून स्टफिंग के लिए भुने हुए चने को ग्राइंड कर लिया है मैंने, इसका सत्तू बनाया है। इसमें नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, स्टफिंग में ही डालेंगे हम प्याज बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च और हरा धनिया। आटे में हम 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डालेंगे और 3 टेबलस्पून हम इसमें मिलाएंगे ऑयल के, जिसको हम मोयन देना कहते हैं। इससे जो है ये बहुत ही सॉफ्ट बन जाती हैं और एकदम से खस्ता बनती हैं, इसलिए ऑयल ज़रूर डालें। ऑयल या घी जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, मैं इसमें वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसका सॉफ्ट डो रेडी करना है, जिस तरह से हम रोटी पराठे के लिए बनाते हैं सेम वैसा ही बनाना है। इसको मिक्स करके बनाकर हम 15 मिनट के लिए रख देंगे और इतनी देर में हम अपनी स्टफिंग रेडी करेंगे। स्टफिंग में आपने भुने हुए चने जो मिलते हैं बिना छिलके वाले, वो लेने हैं और उनको आप घर में ग्राइंड कर सकते हैं। इससे जो है चने का सत्तू तैयार हो जाएगा और इसमें हमने डालना है स्वाद अनुसार थोड़ा नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला, और साथ में डालना है इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च। ये हम स्टफिंग रेडी कर रहे हैं और इसमें 2 टेबलस्पून हमने डालने हैं ऑयल के। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, ऑयल से इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस या अमचूर पाउडर ये भी डाल सकते हैं। स्टफिंग को आप अपने स्वाद के अनुसार तीखा या कम तीखा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ऑनियन डालें आपको पसंद हो, और ना पसंद हो तो बेशक आप इसको अवॉइड कर दें। स्टफिंग भी हमारी रेडी हो गई है, हम इसको भी साइड पर रख देते हैं और 15 मिनट के बाद हम अपना आटा जो है थोड़ा सा इसको नीट कर लेते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और इसके बाद हम इसको छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे। जिस तरह से हम आटे के लिए पराठे के लिए लोई लेते हैं, तकरीबन उतना ही हमने एक एक पार्ट को लेना है। साइज आप अपनी इच्छा के अनुसार बड़ा और छोटा बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। सारे पार्ट्स तोड़ने के बाद हम इनको थोड़ा सा रोल करेंगे हाथ से ही, ताकि थोड़ी सी नीटनेस इसमें आ जाए। फ्रेंड्स, लिट्टी या स्टफ्ड बाटी आप इसे कह सकते हैं, खाने में ये बेहद स्वादिष्ट होती है। आप राजस्थान में जब इसे बनाया जाता है बाटी का नाम देकर, तो इसे हम खाते हैं दाल के साथ, वहाँ पर दाल के साथ इसे सर्व किया जाता है। और बिहार में इसे चोखा, जिसे हम बैंगन का भरता भी कह सकते हैं, बैंगन से, आलू से, धनिया, टमाटर, प्याज, इस तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है चोखा। मैं उसका वीडियो अलग से कभी अपलोड करूँगी, लेकिन आज हम लिट्टी ही बना रहे हैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा, इस वजह से मैं सिर्फ आज एक ही चीज़ बनाकर आपको दिखा रही हूँ। ये भी मैं अपने एक व्यूअर की डिमांड पर बना रही हूँ, उन्होंने काफ़ी समय पहले मुझे डिमांड की थी कि माइक्रोवेव में लिट्टी बनाकर दिखाइए, तो मुझे समय अब मिला है तो मैं उसको बनाकर दिखा रही हूँ। तो मैं अपने उस व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो देखें और कमेंट करके बताएं कि कैसी है, कैसी उनको लगी। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सभी जो हमने बॉल्स बनाए हैं छोटे, उनको अंगूठे से थोड़ा सा इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस करते हुए कटोरी की तरह बनाना है, ताकि इसके अंदर हम स्टफिंग डाल सकें। और अपने एक स्पून के करीब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे और इसको ऊपर से बंद कर देंगे। साइड जो नीचे की साइड हम अंगूठे से दबा रहे हैं, इसको थोड़ा पतला कर लें, और जब ऊपर अगर आपको थोड़ा सा आटा एक्स्ट्रा लगता है तो उसको आप तोड़ सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये ऊपर बन जाता है, अगर थोड़ा मोटा लग रहा है तो आप इसे तोड़ दीजिए, बहुत मोटा नहीं हम इसको बनाएंगे, ठीक ठीक ही होनी चाहिए ताकि अच्छे से ये अंदर तक सिक जाए। माइक्रोवेव में मैंने कन्वेक्शन मोड पर पहले राजस्थानी बाटी बनाकर डाली थी, बिल्कुल इसी तरह से वो भी बनाई थी, लेकिन उसको मैंने कन्वेक्शन मोड पर बेक किया था। आज हम माइक्रोवेव में इसको
ग्रिल मोड पर बनाएंगे। सभी के माइक्रोवेव में ग्रिल मोड होता ही है, तकरीबन जिसके पास सोलो माइक्रोवेव है उसके पास शायद ग्रिल मोड ना हो, लेकिन जिनके पास माइक्रो ग्रिल है या फिर माइक्रोवेव कन्वेक्शन है तो उनके पास ग्रिल मोड तो होता ही है। इस तरह से आप उसको माइक्रोवेव में ग्रिल मोड पर आसानी से बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है, आप बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। माइक्रोवेव में हम हायर रैक रखेंगे पहले, उसके ऊपर हम क्रस्टी प्लेट को रखेंगे जिसमें हमने सारी जो लिट्टी बनाई है उसको हमने थोड़ा ऑयल लगाकर ब्रश के साथ रख दिया है। 20 मिनट के लिए मैं सेट करूंगी माइक्रोवेव को ग्रिल मोड पर, पूरे 20 मिनट इसको लग जाएंगे बनाने में फ्रेंड्स। और आप बीच में इसको एक बार टर्न ज़रूर करें, 10 मिनट के बाद 11 मिनट के बाद आप इसको साइड जो है देखिए, 10 मिनट के बाद मैंने इसको निकाला है और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ऊपर से ये काफ़ी सिक चुकी है। हम इसको साइड टर्न कर देते हैं और साइड टर्न करने के बाद भी आप चाहें तो इसके ऊपर ब्रश के साथ थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा सकते हैं ताकि इसमें ड्राइनेस ना रहे। वैसे तो जब हम इसको खाएंगे तो हम इसको पहले घी, देसी घी में डिप करेंगे क्योंकि लिट्टी या बाटी दोनों चीज़ों को घी में डिप करके ही यूज़ किया जाता है, खाया जाता है, जिससे इसका स्वाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देसी घी में डिप करने के बाद ये वाकई लाजवाब हो जाती है, जब आप खाएंगे तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स माइक्रोवेव में अगले 10 मिनट के लिए मैंने इनको फिर से रख दिया है। आप चाहें तो एक बार फिर से बीच में 5 मिनट पर चेक कर लें कि किसी भी लिट्टी की, किसी भी एक पीस की जो साइड है कम ब्राउन हुई है तो उसको आप टर्न कर सकते हैं। वैसे 10-10 मिनट पर दोनों साइड से बहुत अच्छे से सिक जाती है और अंदर से भी बहुत अच्छे से ये सिक जाती है। तो आप एग्जैक्टली 20 मिनट का टाइम सेट करें। और हाँ, एक चीज़ को ज़रूर याद रखें, अगर आपके माइक्रोवेव का टेम्परेचर जो है वो 900 वाट से ज़्यादा का है तो आप 2-3 मिनट कम लगाएं। अगर कम है जैसे 700 वाट है, 800 वाट है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगाएं। देखिए 20 मिनट के बाद हमारी लिट्टी जो है बहुत ही अच्छी सिक चुकी है, बिल्कुल ब्राउन एकदम से और दोनों तरफ से सिक गई है, बहुत एकदम खस्ता जिसको बोलते हैं वैसी ही बनी है क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर का भी यूज़ किया है। बेकिंग पाउडर आप जानते ही हैं, हम जब बिस्किट वगैरह में डालते हैं तो वो कितने खस्ता बन जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारी लिट्टी बन चुकी है। बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, इसमें जो हमने अजवाइन का या काली मिर्च वगैरह इनका यूज़ हम जब करते हैं तो इसकी भी उसका एक फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा। मैं इसको देसी घी में डिप कर रही हूँ इस तरह से, ये साथ साथ मैं निकाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको थोड़ी थोड़ी देर इसमें डिप करके देसी घी में छोड़ें ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर ले अंदर तक, उसमें देसी घी भर जाए, या फिर इसके ऊपर हल्का हल्का क्रैक बनाकर आप देसी घी चम्मच से इसके ऊपर डाल दें तो इसके अंदर तक देसी घी चला जाएगा और उससे ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स माइक्रोवेव में बनी हुई लिट्टी, स्टफ्ड लिट्टी हमारी तैयार है खाने के लिए। चोखे की रेसिपी के लिए आप वेट कीजिए, मैं अपलोड ज़रूर करूँगी। फ्रेंड्स मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये मेरी आज 100वीं रेसिपी है माइक्रोवेव की जो मैं आज अपलोड करने जा रही हूँ लिट्टी की। इस वैसे तो मेरी टोटल जो रेसिपीज़ हैं तकरीबन 300 के आसपास हो चुकी हैं, मैंने जो अपने चैनल पे अपलोड किए हैं वीडियोज़, बट ये मेरी माइक्रोवेव की 100वीं रेसिपी है जो आप देखेंगे। और आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे सहयोग कीजिए ताकि मेरा चैनल जो है ग्रो करता रहे। आप मेरी माइक्रोवेव की रेसिपीज़ जो हैं बहुत लाइक कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये चीज़ को देखती हूँ और मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपनी फ्रेंड्स को और इसी तरह की रेसिपीज़ जो हैं बताऊँ कि वो किस तरह से माइक्रोवेव का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप